नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि 618 ग्राम प्रधानों और 7851 ग्राम सदस्यों, 757 बीडीसी और 32 जिला पंचायत सदस्यों का भाग का फैसला होना है, जिसको लेकर सभी का मन मिचलित है। संवाद सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में ये सामने आया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्याशी व एजेंटों के लिए अनिवार्य है, साथ ही कोविड जांच रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश करना अनिवार्य है, जिसको लेकर सभी सचेत हैं। और तो और, मतगणना के पश्चात विजय प्रत्याशियों के लिए विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि इस परिस्थिति में अनिवार्य है। सारी गाइडलाइंस के अंतर्गत ही सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ मतगणना शुरू की गई थी। और तो और, मतगणना स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क बने हैं। बड़ी बात तो यह सामने आई है कि प्रत्याशी व एजेंट के अलावा अन्य का प्रवेश वर्जित हो गया है, साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। साथ ही पूरे कानपुर देहात के 10 ब्लॉक में मतगणना चल रही है। स्तरीय जो चुनाव पंचायत चुनाव हुआ है, उसको लेकर के पूरे जनपद में 10 ब्लॉक में मतगणना जारी है। प्रथम चरण की मतगणना इस समय कंटिन्यूशन में है। हमारा पुलिस बल हर बूथ पे और बैरियर पर पार्किंग में सब लगा हुआ है, सारे व्यवस्थाएं सुचारू तौर पर चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था सुधर रही है। सर, किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में विघ्न पड़ने की बात नहीं? नहीं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू तौर पर चल रही है। मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं बैरियर पे और हर जगह, और हमारा पुलिस बल भी सब लोग सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं, किसी तरह कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। सर, डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अपने स्तर से कराया जा रहा है, सभी लोग मास्क लगा कर ही अंदर जा रहे हैं, और जो नहीं लगाए हैं मास्क और किसी तरह की दिक्कत है उनको बाहर कर दिया जा रहा है। और मेडिकल हेल्प डेस्क टीम भी लगी है और नियमानुसार कार्रवाई कोविड 19 को देखते हुए कराई जा रही है। सर, लमसम कितने बजे तक मतगणना की उम्मीद बताई जा रही है? अभी पहले चरण की मतगणना शुरू हुई है तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि पूरे रात भर भी चल सकते हैं। और कुछ जगहों पर जहाँ बहुत बड़ी न्याय पंचायतें हैं, चूँकि एक न्याय पंचायत के सभी मतगणना उसी टेबल पर हो रही है, वर्तमान में व्यवस्था यही है, इसलिए जो है रात भर भी चल सकती है, कल सुबह तक भी जा सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि हमारे कर्मचारी कितने तेजी से मतगणना कार्य को संपन्न करें।